आप नहीं थी, लेकिन वो आपकी दोस्त दिव्या जी, वो आ गई थी टाइम पे। अगर वो नहीं आती पता नहीं क्या हो जाता। ताऊ जी और ताई जी ने इस बार हाथ पार कर दी, छोड़ूंगा नहीं उन्हें मैं। रे ये बंटी बबली अभी गुंडागिरी पे उतरा है, हमने बहुत शराफत निकाली, वो उसके लायक है नहीं। चलिए लेट्स गो, चलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ताई जी ने गुंडे बुलाए तो आप तीनों भी गुंडों की तरह जाके मारपीट करिए, क्या हासिल होगा इससे? उल्टा बात और बिगड़ जाएगी, घर तो मिलेगा नहीं और पुलिस का चक्कर भी काटना पड़ेगा। श्रेया तुम्हारी ये जो हालत है ना उन्होंने की है, और तुम चाहती हो कि हम ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे रहें? श्रेया बेटा वैभव सही कह रहा है, उन लोगों ने अब सारी हदें पार कर दी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ पापा हम ताई जी और ताऊ जी को सबक सिखाएंगे, लेकिन अपने तरीके से, उनके लेवल पे गिर के नहीं। मम्मी आपको याद है आपने मुझे लक्ष्मी माँ की कहानी सुनाई थी, कुबेर वाली, जिसमें कुबेर को बहुत घमंड था कि उसके पास बहुत खाना है। मम्मी फिर क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा है। वो ये था कि कुबेर को अपनी संपन्नता पे अहंकार हो गया, वो घमंड में कहते थे कि वो चाहे तो पूरे संसार को खाना खिला दे। जब लक्ष्मी जी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने उनके घमंड को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने माँ पार्वती और कैलाश पति जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कुबेर से कहा कि एक अतिथि के रूप में बालक उनके पास आएगा, उन्हें उसे खाना खिलाना है, उसका आदर सत्कार करना है। वो बालक कोई और नहीं स्वयं बाल गणेश थे। उन्होंने उसका सारा अन्न खाकर खत्म कर दिया और उसके अहंकार का सर्वनाश भी। हाँ और हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। ताई जी को लगता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम उनका ये अहंकार तोड़ के रहेंगे और अपना घर वापस लेके रहेंगे। तो अब बताइए है ना आप लोग मेरे साथ? प्लान समझ में तो नहीं आया, लेकिन साथ तो हमेशा है ना आपके हम। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आज आपने मेरे घर की लाज बचा ली, मेरी श्रेया को बचाया आपने। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। इतने सालों से आपकी भक्ति कर रही हूँ इसी विश्वास के साथ कि मेरी माँ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, और वही हुआ। आपके प्रति मेरी भक्ति और विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। माँ माँ अलक्ष्मी तो आपकी भक्त सविता का विश्वास तोड़ने चली थी, यहाँ तो विश्वास और मजबूत हो गया। माँ धन्य है आप और आपकी भक्त। तभी तो मैं सदैव कहती हूँ वत्स, मेरी शक्ति मेरे भक्तों के विश्वास में, किंतु मैं अलक्ष्मी को जानती हूँ, वो अपना दुष्ट स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगी। अपने अहंकार के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकती है। पता नहीं वो अब सविता के लिए कौन सी नई समस्या खड़ी करने वाली है। आओ श्रेया मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। दीदी हाँ दीजिए मैं लगा देता हूँ। कोई बात नहीं मैं लगा देती हूँ। नहीं दीजिए ना मैं कर लेता हूँ। लाइए
क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या हाल बना दिया उन गुंडों ने तुम्हारा? जब मेरी जरूरत थी तो मैं नहीं था वहां पे। शर्म आ रही खुद पे। मुझे तुम पे बहुत गर्व है। तुम वहां नहीं थे लेकिन यहां रह के तुमने उससे भी बड़ा काम किया है। And I'm so proud of you। रोहित भैया और अदिति दीदी को घर वापस ले आए। हम लोग फिर से साथ हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है मम्मी और दादी कितने खुश हैं। क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। नहीं शे। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी ये तुम हो जो कभी गिव अप नहीं करती किसी भी सिचुएशन में। हमने तो सोचा था ये परिवार बिखर गया और अब नहीं जुड़ेगा और तुमने फिर से जोड़ दिया। थैंक्स टू यू। प्लीज गुस्सा धो दो ना और लौट आओ वापस। मम्मी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम आओगी ना तो मम्मी को अच्छा लगेगा। और मैं हेलो भैया आप टेंशन मत लो भाभी आ जाएंगी। कैसे आएगी श्रेया? हम हैं जो दुकान पे एडजस्ट कर लेंगे। माया इस दुकान पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। भैया भाभी को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम उन्हें यहां नहीं सीधा घर बुलाएंगे। मेरा वादा है आपसे। हाँ भैया गारंटी है कल अपना घर अपने पास होगा। नमस्ते। हाँ नमस्कार। आ गए आप लोग? हाँ मैं मालकिन को बुलाता हूँ। मैडम को बुलाता हूँ। मैडम जी मैडम जी वो आ गए। अरे आ गए। आइए आइए बैठिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। ये चाय लेंगे आप? क्या चाय लेंगे? दामाद है क्या? नहीं मुझे दो। ओ खड़े क्या हो? काम शुरू करो। और हाँ उस रूम से स्टार्ट करना। ओके आइए 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 मैं दिखाता हूँ। कविता तू तो अमीर हो गई। आज के बाद तो मजे हैं तेरे। इतने सारे पैसों का क्या करेगी तू? पैसा पैसा पैसा। एक काम करती हूँ 10-15 लाख के तो गहने ही बनवा लूंगी। कड़े बनवाऊंगी ये मोटे मोटे। और 15-20 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड में डाल दूंगी। पर सबसे पहले तो और फिर स्विट्जरलैंड की वादियों में इसे शिफोन की साड़ी पहनकर हीरोइन की तरह अलग। क्या हो गया? अलग मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि नाचा मत करो लेकिन तुम्हारी सुनती नहीं हो। तुम्हारी उम्र हो गई है। चुप बूढ़े हो गए तुम। अरे मैं तो अभी तक अलग। जल्दी जल्दी बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी कुछ करो। दर्द हो रहा? तुमको अटैक आ रहा है लग रहा है। अटैक? तू खड़े क्या हो? डॉक्टर के पास तो जाऊं। डॉक्टर के पास? जल्दी उठाओ मुझे। मैं हूं ना, मैं उठाता हूँ। उठो उठो उठो। पकड़ो। आओ मर गई। अरे नहीं मरती तुम। इतनी जल्दी कहाँ मरोगी? आओ आओ जल्दी। आओ आओ डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर साहब सब ठीक है ना?
क्या हुआ है मुझे बताइए ना, सब ठीक है ना? क्या अजीब बात है, देखो जो झूठ आपने मुझसे बुलवाया कि आपके पति को दिल की बीमारी है, आज वो आपके केस में सच होने जा रहा है कविता जी। क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक तो किस्मत ने किया आपके साथ। हाँ? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन आपके हार्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी पूरी तरह से फेल हो सकता है। जल्द से जल्द हार्ट सर्जरी नहीं की तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए मेरी, मुझे बचा लीजिए प्लीज। तो ये सर्जरी में कितना पैसा लगेगा? वही लगभग 30-35 लाख रुपए। संभालो अपने आप को, अगर तुम्हें अटैक आ गया तो डबल खर्चा हो जाएगा। जितने पैसे इकट्ठे किए सब चले जाएंगे। जान से पड़कर है क्या पैसा? देखो डॉक्टर बचा लो मुझे प्लीज, अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई है, मैंने जो चाहा सब मिल गया मुझे, मुझे जीना है, एंजॉय करना है। आपने तो मेरी एक्सपायरी डेट ही निकाल दी। डॉक्टर मुझे वापस दर्द शुरू हो गया। सांस लो, लंबी 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 सांस लो। तुम डॉक्टर हो? सॉरी। सांस लीजिए। हाँ, अब लेती हूँ। अलग अलग पैसों के बारे में मत सोचना, पानी की तरह पैसे बहा देना, बस मेरी जान बचा लो, मुझे बचा लेना डॉक्टर, मुझे मरना नहीं है। फॉरेन सर्जरी करनी पड़ेगी वरना आपका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मरने मत देना मुझे। हे भगवान, मैं तुम्हें 5,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी और आपकी 1,000 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर दर्शन करने के लिए आएंगे। अलग बस मुझे बचा लेना भगवान, मुझे बचा। डॉक्टर्स जल्दी अंदर आइए, इनको हार्ट अटैक आया, इनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, जल्दी करो। आराम से हार्ट अटैक हुआ है। आराम से। नर्स इनसे कंसेंट फॉर्म पे साइन कराइए। अरे इनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, आप सोच कर साइन कीजिए, अगर इनको कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। हो गए साइन हो गया। डॉक्टर साहब आप जल्दी से इनका ऑपरेशन कर दीजिए। थैंक यू ताऊ जी, इन पेपर्स पे साइन करने के लिए। ताऊ जी थैंक यू ताऊ जी, हमें हमारा घर वापस देने के लिए। थैंक यू ताऊ जी, हमें हमारा घर वापस देने के लिए। जैसे को तैसा, जैसे आपने झूठा नाटक करके हमसे हमारा घर छीन लिया, वैसे हमने भी थोड़ा सा झूठ बोल के अपना घर वापस ले लिया। बड़ा धोखा। अरे ये गुण तो हमने आपसे ही सीखे हैं, बंटी ताऊ जी, बबली ताई जी। ऐसे कैसे अंदर आ गए आप लोग? पैसा लेके अलग कोशनीवाल की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी ना तूने? So sad, इतने अच्छे कॉलेज से डिग्री ली थी, अब तो वो भी किसी काम की नहीं रही। आपका मेडिकल लाइसेंस तो कैंसिल होके रहेगा डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, जेल जाओगे वो अलग। अब बताओ नहीं तो पूरी दुनिया घुमा के मारेगा भी। या तो जेल जाओ या तो सच बताओ। चलो वो मुझे पैसे खिलाए थे उस कविता तोशनीवाल ने, लेकिन प्लीज आप लोग मेरी रिपोर्ट मत करना, आप लोग जो कहोगे वो सब मैं करने को तैयार हूँ। बोलिए क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक और नकली रिपोर्ट बनानी है। मतलब मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ था? नहीं बड़ी सासू माँ, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बस थोड़ा सा एसिडिटी था।
जीजा जी ने आपके खाने में, चाय में और पानी में हर जगह एक ऐसी दवाई मिलाई जिससे आपके जान को कोई खतरा नहीं पहुंचता, बस आपको नॉर्मल से ज्यादा एसिडिटी हो जाती, वो हो गई और आपको लगा कि हार्ट अटैक आया है। तो ताई जी, क्या कहा था आपने मम्मी से कि हिसाब बराबर किया? एक्चुअली अब हिसाब बराबर हुआ है। तो ताई जी, चाय पे आइएगा। और ताऊ जी, समोसा। चलिए बाय ताई जी। बाय। और हाँ ताई जी, गेट वेल सून। हाँ बाय। और हाँ ताई जी, गेट वेल सून। हाँ श्रेया की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। कदम पर तूने मेरा प्लान खराब किया है श्रेया। तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, तेरा तो कुछ करना ही पड़ेगा। हर पल में हो शुभ नाम, शुभ नाम।